audit of indirect taxes. बेटी ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेटा एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स होता है बेटे जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो आपको अपनी जेब से देना होता है. इनडायरेक्ट टैक्स ये है जो आपकी जेब से कम निकल जाता है, आपको पता नहीं लगता. तो मेरा बेटा से पूछा ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बोले जो पापा मम्मी को पैसे देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? पापा मम्मी को सामान लेने के लिए कुछ पैसे लेती हैं, जो बचता है वो रख लेती हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पापा को पता ही नहीं चलता. इसी तरह बेटे इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब हम कोई भी सामान परचेज करते हैं हेलो यस हाँ 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 11 बजे से 2 बजे तक. हाँ हाँ नहीं और नहीं है, यही है एक्चुअली. इसको 11 से 2 है. फिर जब आप आएंगी पहली क्लास में फिर देखेंगे और बच्चों से बात करके, क्योंकि बाद में फिर लोगों की 2 के बाद में वो शाम को कुछ बीजी बीजी सर की क्लास होती है, कुछ ये प्रॉब्लम है. नहीं तो ये लक्ष्मी नगर में ही होंगे. ये 1/46 है ना, नाम तो वही ध्रुव अग्रवाल क्लासेज अपना. हाँ हाँ खुद पे ही. बेटे जो ऑडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये बेटे जनरली जो ऑडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होता है. क्या होता है? ऑडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सरकार ऑडिट कराती है किस, तो सरकार किस लिए कराएगी? इसका पर्पज क्या है? टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करने के लिए. टैक्स इवेजन को जो काम अफसर को करना चाहिए वो काम टैक्स इवेजन को जैसे हम प्रिवेंट एंड डिटेक्ट टैक्स इवेजन. ओके, इससे फायदा क्या होता है गवर्नमेंट को? जो भी ऑडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है इससे बेटे इंक्रीज होता है रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है. अब बेटे जो काम अफसर को करने चाहिए वो ऑडिटर करके देता है तो लेस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचती है. सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बचती है. एसेसमेंट जल्द
सेल्फ एसेसमेंट जल्दी कंप्लीट होता है, ब्रॉड टैक्स बेस ब्रॉड होता है और टैक्स की जानकारी अवेयरनेस बढ़ती है। इन वजह से ये बेटे गवर्नमेंट इस कर सकते ऑडिट होता है, ये गवर्नमेंट को इससे फायदे हैं, इंडस्ट्री को भी कुछ फायदे होते हैं क्या? इंडस्ट्री को इससे क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा होता है भाई ऑडिटर होता है क्या क्या चेंजेज हुए वो बता देता है, टैक्स प्लानिंग करना आसान हो जाता है, टैक्स प्लानिंग आसान हो जाता है, टैक्स के बारे में गुड इंटरनल कंट्रोल, और जब हम सेल्फ टैक्स देते हैं तो उससे कॉरपोरेट गवर्नेंस बढ़ती। जनरल सोसाइटी को जो फायदा होता है वो ये है कि इससे बेटर कंप्लायंस होती है, बेटर कंप्लायंस होती है, तो बेटर कंप्लायंस होती है तो लेस टैक्स, तो कम टैक्स लगता है, ये एक मोटा मोटा फायदा है। अब बेटे इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है? इस यदि हमको कोई ऑडिट करना है इनडायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का हमको ऑडिट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल को, इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करेंगे, ऑडिट प्लानिंग, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑडिट प्लानिंग, फिर उसके बाद में कंडक्ट होगा ऑडिट का और रिपोर्ट दी जाएगी। जनरली इसका स्कोप क्या क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का स्कोप है क्या क्या? देखो सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्कोप क्या है? तो पहले तो बेटे क्या होता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं, आपको पता होगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या क्या होते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, इंपोर्ट रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस, कैश इंसेंटिव्स, और कई बार टैक्स कंसेशंस। ठीक है, तो पहला तो बेटे ये इनकी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सेस इंसेंटिव्स
तो इसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए कंसेशनल इंपोर्ट, तो बेटे इसके अंदर बेटे हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ, तो बेटे इसके अंदर भी हमको देखना है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एक्सेसिव कंसेशंस, कंसेशनल इंपोर्ट। एक बेटे ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज, बेटे हमारी कंपनी है एक इंडिया में और उसी की एक ब्रांच हमारी यूएसए में, हम इंडिया से कोई माल यूएसए को बेचते हैं और यूएसए से इंडिया को बेचते हैं, तो सही प्राइस पे भेज रहे हैं या नहीं, ट्रांसफर प्राइस सही है या नहीं, तो इसको देखने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज के अंदर वैल्यूएशन ठीक किया है या नहीं किया है, इस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा सैंडविच क्रेडिट, ठीक तरह से ली है या नहीं ली है, और भी जो कोई भी कंसेशंस हैं उनका मिस यूटिलाइजेशन ना हो, इसके लिए बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑडिट कराया जाता है। इसके अंदर अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर स्पेसिफिक लॉज कुछ बने हैं जिनको आज हम आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऑडिट के लिए क्या क्या स्पेसिफिक लॉज होते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? सर आ तो रहा है लेकिन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट आ रहा है। चलो बेटे इनडायरेक्ट आ जाए तो स्कोप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में इसमें बेटे इनडायरेक्ट टैक्स ऑडिट के अंदर हम अभी दो एक्ट स्पेशल इनडायरेक्ट, एक तो एक्साइज ऑडिट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम बैट ऑडिट। एक्साइज ऑडिट ये बेटे आया एक्साइज ऑडिट एक्ट के हिसाब से 2000 के अंदर। इसके अंदर बेटे तीन तरह के लोग थे, जो ड्यूटी 1 करोड़ से ऊपर ड्यूटी पे कर रहे थे, दूसरे ऐसे लोग थे जो 10 लाख से 1 करोड़ की ड्यूटी पे कर रहे थे, और एक लेस देन 10 लाख। जो 1 करोड़ से ऊपर का ड्यूटी थे उनका
बेटे जो एक करोड़ से ज्यादा की जिसकी ड्यूटी है उसको कहते बेटे हर साल ऑडिट कराना पड़ेगा, हर साल यानी एवरी ईयर, एवरी ईयर। और जो 10 लाख से 1 करोड़ वाले हैं उसको क्या कराना है, वंस इन 2 ईयर, 2 साल में 1 बार। फिर 10 लाख वाले हैं इसमें बेटे सिलेक्शन रोटेशनल बेसिस पे मैक्सिमम 20%, यानी 5 में से 1 रोटेशनल बेसिस पे एवरी ईयर ऑडिट होगा, ये बताता है एक्साइज एक्ट 2000। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, ये बेटे बेसिकली सबसे पहले पहला काम होगा इसमें सिलेक्शन ऑफ द एसएससी, सिलेक्शन ऑफ एसएससी। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कौन से ऐसे एसएससी हैं जिनका ऑडिट होना है, हर एक का नहीं होना है, कुछ एसएससी जिनका ऑडिट होना है उन एसएससी को सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में टेबल पे बैठ के बेटे डेस्क रिव्यू किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डेस्क पे फाइल है, फाइल का डेस्क रिव्यू करेगा, डेस्क रिव्यू। तो बेटे क्या होगा, डेस्क रिव्यू, डेस्क रिव्यू के बाद में एक डेस्क रिव्यू का मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट अपने ही डेस्क पर बैठ के उनकी सारी फाइल विल देखेगा और एक डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन की एक क्वेश्चनायर भेजेगा, क्या भेजेगा, क्वेश्चनायर। आपके पास की इन इन चीजों के आप जवाब दीजिए, ये कहां से परचेज किया, क्या कॉस्ट है, उसके बाद में जब आपसे इंफॉर्मेशन ले लेगा उसके बाद में टूरिंग, टूरिंग द प्लांट यानी आपकी फैक्ट्री की विजिट करेगा, टूरिंग द प्लांट, उसके बेसिस पे एक ऑडिट प्लान तैयार करेगा, क्या करेगा, ऑडिट प्लान तैयार करेगा। बेसिकली जो ऑडिट प्लान होगा एक्साइज के अंदर इसका पर्पज क्या हुआ, इसका पर्पज बेसिकली रेवेन्यू लीकेज को पता करना और बेसिकली रेवेन्यू को बढ़ाना पर्पज होगा, बेसिकली प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पर इतना ध्यान नहीं होगा। उसके बेसिस पे बेसिकली वो नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, ऑडिट प्लान होगा, इसके अंदर वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन के अंदर जो काम का ध्यान होगा वो होगा नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, रॉन्ग कैलकुलेशंस, और इसके बेसिस पे एक प्रीलिम्स, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तैयार होगी और उस पर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को डिस्कस करने के बाद में फाइनल रिपोर्ट डिपार्टमेंट को, सुपीरियर को भेज दी जाएगी,
ये पूरा प्रोसीजर है आपका एक्साइज ऑडिट का। हाँ जी, कुछ कुछ समझ में आया एक्साइज ऑडिट? हाँ जी बच्चों, हाँ जी एक्साइज ऑडिट। सर ये तो कुछ कुछ बोरिंग लग रहा है। बेटे ये जो एक्साइज ऑडिट है, ये ऑडिट हमेशा बेटे पोस्टमार्टम एनालिसिस है, ठीक है, लेकिन बेटे सही करना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटे, एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर बेचारा घबराया हुआ है, बोले यार अपने कंपाउंडर से बोला, अभी अभी मैंने जिसका ऑपरेशन किया था वो बेचारा मर गया। कंपाउंडर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये तो लास्ट ही इसका तो पोस्टमार्टम करना था। ओहो, इसका पोस्टमार्टम करना था तो मैंने सुबह किसका पोस्टमार्टम कर दिया। ओके, तो बेटे हमको करना क्या है एक्साइज ऑडिट के अंदर, समझना ये है कि बेसिकली ये ऑडिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये डिपार्टमेंट के आदमी ही करते हैं या डिपार्टमेंट के आदमी ही अपॉइंट करते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका पर्पज दूसरा है, इसका पर्पज है आपका रेवेन्यू को रेज करना। अब बेटे आपको एक और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत जरूरी, हालांकि दिल्ली में नहीं हुआ है लेकिन और जगह बैट ऑडिट कंपलसरी हो गया है, तो हमें ऑडिट अंडर बैट, बैट समझते हो वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। बैट तो अब आप सब लोग जानते ही हो, टैक्स एट एवरी स्टेज ऑफ सेल ऑन वैल्यू एडिशन। यस सर, ये तो हमने इनकम टैक्स अपने इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में ही पढ़ा है। ओके, और ये आपको पता ही है, ये जो बिल के साथ लग के आता है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन। ये रोजाना सुबह से शाम तक आपकी जेब से निकलता रहता है, आप होटल में जाते हो, चाय पीते हो, कुछ पिज्जा खाते हो, साथ में नीचे लग जाता है वैट, तो सब कुछ कुछ जितना आपके पेट में गया कुछ कुछ गवर्नमेंट के पास पहुंचता रहता है, ठीक है। तो बेटे कई यूपी ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, उत्तरांचल ने और बहुत सारे स्टेट्स ने बैट के अंदर ऑडिट कंपलसरी कर दिया है। तो अब हम ऑडिट करेंगे कैसे, ऑडिट अंडर बैट। बेटे जिस तरह हम बाकी ऑडिट करते हैं, तो सबसे पहले हमने ऐसे 300 के अंदर हम एंटिटी को जानते पहचानते, अंडरस्टैंड द एंटिटी। तो ऑडिट की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम एंटिटी को जानते हैं, समझते हैं क्या पॉलिसी चल रही है, क्या है उसके बिजनेस को, अंडरस्टैंड द एंटिटी दैट इज नॉलेज ऑफ बिजनेस। उसके बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, उसके बाद में हमको बैट लॉ और जितने एलाइड लॉज हैं उनकी जानकारी लेनी होती है, बैट लॉज एंड ऐसे 300 की बैट लॉज की। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी देखनी है, इंटरनल कंट्रोल देखना है और क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन है, ये देखना है।
ओके, ऑडिट अंडर वैट में हमको क्या देखना है, ऐसे 300, अंडरस्टैंड द एंटिटी यानी नॉलेज ऑफ द बिजनेस, वैट लॉ, एलाइड लॉज को समझना, अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना, इंटरनल कंट्रोल को समझना और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को समझना है। ये सारी चीजें हमको समझनी है ऑडिट अंडर वैट के अंदर। ओके, तो हमको वैसे 300 एंटिटी को समझना है, वैट लॉज को समझना है, अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना है, इंटरनल कंट्रोल को समझना है और क्या क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड समझने हैं। अब हम जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये हमको थोड़ा सा समझना है। तो अब आ जाइए ऑडिट प्रोग्राम, तो इसमें बेटे एक तो हमको टर्नओवर देखनी है, टर्नओवर ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो बेटे ऑडिट प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमको टर्नओवर ये सही है या नहीं, ये प्रॉपर है या नहीं, ओके, इसके लिए हम देखेंगे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और जो बैट लॉ कहता है उसके हिसाब से टर्नओवर ली गई है या नहीं, टर्नओवर ऑफ सेल्स। इसी तरह बेटे परचेज भी हमको देखनी है, परचेज सही है, गैप के हिसाब से है और बैट के हिसाब से है या नहीं। अब बेटे इस परचेज को हमें दो भागों में बांटना होता है, एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट और नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। फिर हमको बेटे कुछ कैपिटल गुड्स होते हैं उस पर भी बेटे क्या ही जैसे 50-50% बैट मिलती है दो साल में, या जहां जहां कहीं कहीं 20% मिलती है, जिस भी प्रोपोर्शन में मिलती है, तो हमको कैपिटल गुड्स को देखना है कि वो सही तरह डिटरमाइन हुए। उसके अलावा हमको क्या देखना है, टर्नओवर देख लिया, परचेज देख लिया, गुड्स देख लिया, अब हमको ये देखना है कि जो रिटर्न्स है वैट की, रिटर्न्स और टैक्स ड्यू डेट पे फाइल हुई है या डिले है, टैक्स ड्यू डेट को पे हुआ है या डिले है, और कई बार कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है एसएससी, तो हमें कंपोजिशन स्कीम भी देखनी है। साथ में हमें ये देखना है कि सारे ट्रांजैक्शंस पूरे पीरियड के कंसोलिडेट हुए हैं या नहीं, और जो रिटर्न फाइल की गई है इसमें कंप्लीट सेल दिखाई गई है, कंप्लीट परचेज दिखाई गई है, टैक्स सही कैलकुलेट किया गया है, इनपुट क्रेडिट ठीक है और इंटरेस्ट और पेनल्टी कैलकुलेशन ठीक है, ये सारा कुछ हमको देखना होता है
बैट ऑडिट के अंदर। ओके, अब बेटा ये जो ऑडिट रिपोर्ट कैसे देते हैं, जब हम ये सब ऑडिट कर लेते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट अंडर बैट ऑडिट, अब हमको क्या देखना है, ऑडिट रिपोर्ट अंडर बैट ऑडिट। बैट ऑडिट के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है ये बेटे इसका जो है परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड होता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑडिटर को क्या करना होता है, फिल करना है, तीसरा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्ट करना होता है, तो हमको जो ओपिनियन देनी होती है, ओपिनियन ओपिनियन बेटे जो ऑडिटर को ओपिनियन जनरली इसके अंदर देनी होती है, किस किस के बारे में, कंप्लीटनेस, ऑफ रिकॉर्ड्स, कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, करेक्टनेस ऑफ सेल परचेज टैक्स एंड इनपुट क्रेडिट, एंड रिपोर्ट अबाउट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इन टाइम एंड डिपॉजिट ऑफ टैक्स। इन चार चीजों के ऊपर बेसिकली ओपिनियन देनी होगी। ओके, ये आपका हुआ बैट ऑडिट।
अब मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट इश्यूज आपको जल्दी जल्दी